मुझे लगता है कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ईश्वर खंडरे वास्तव में अपनी मानसिक सीमा खो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं। यह बात केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री भगवंत खुब्बा ने कही है। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि उनके समय में रिंग रोड का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे सरकार के खजाने को 13 करोड़ का चूना लगा। ईश्वर खंडरे की हेकड़ी, लालच और नफरत की राजनीति के कारण जिले के कई अधिकारी और इंजीनियर शिकार हो चुके हैं। कई अधिकारियों की पदोन्नति रुक गई है, जो बड़े पदों पर नहीं बैठने वाले हैं। वे ईश्वर खंडरे को कोस रहे हैं, जो अपनी पदोन्नति खो चुके हैं और अपने परिवार को संकट में डाला। कई लोगों का सेवानिवृत्ति वेतन भी रुक गया है, यह जानकर कि वे अधिकारियों के सम्मान की नीलामी करने में अच्छी नहीं है। अधिकारी भालकी तालुका में पोस्टिंग पाने से कतराते हैं। अपने लोगों का दिल नहीं जीता और वोट नहीं लिया, अपने सिर उड़े उन्हें डराया और ब्लैकमेल करके जीता। भालकी में एक स्टेडियम बनाने की क्षमता नहीं है। यदि ठेकेदार विधायक की मांग नहीं मानता है तो वे ठेकेदार द्वारा किए गए पुराने कार्य को हटा देंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करें, इसकी शिकायत करें, इन्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए पत्र लिखें, सरकार पर दबाव बनाएं। आप अधिकारियों से नफरत करते हैं। खंडरे का मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना वैसे ही बात है जैसे सूरज पर थूकना है। मैं क्या हूँ, मेरे बूथ स्तर कार्यकर्ता भी जानते हैं। आप ठेकेदारों से निपटने वाले हैं, इसलिए भालकी तालुका में सभी काम केवल 2 या 3 को दिए जाते हैं। अन्य ठेकेदारों को टेंडर लगाने की अनुमति नहीं है, इसलिए जब वे नगर प्रशासन मंत्री थे तब उन्हें टेंडर मंत्री की उपाधि दी गई थी। सभी ठेकेदार केंद्रीय PMGSY कार्यों, नोबार्ड कार्यों और अन्य कार्यों पर काम कर रहे हैं। न तो मुझे और न ही हमारी पार्टी के नेताओं को आप जैसी किसी और के पेट पर मारकर जीने की जरूरत है। आप जैसे आपका परिवार कब्जे वाली संपत्ति वाले हैं, जिले में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं। आप और आपका परिवार सावधान रहे कि निकट भविष्य में यह सब सरकार का हिस्सा होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।